आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन स्प्रे हेयर रिमूवर्स को यूज कैसे किया जाता है, लाइक सही तरीका क्या है जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिले एंड स्किन पे 100% सेफ भी हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ सनफे का ये स्प्रे अवे हेयर रिमूवर, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है ऑरेंज पील जो कि हमारे स्किन से टैनिंग को भी रिमूव करता है। बाकी आप कोई भी हेयर रिमूवर यूज कर सकते हो। तो इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली इसे स्प्रे कर देना होता है अपने हैंड्स और लेग्स पे, और आप किसी भी बॉडी पार्ट पे यूज कर सकते हो। बट वहाँ पे एक चीज का ख्याल रखो कि किसी भी तरीके का कुछ फोड़ा फुंसी जैसी कोई चीज ना हो, कोई कट ना हो, किसी तरीके का कुछ चोट ना लगा हो, कोई स्किन प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भले ही बहुत ज्यादा कन्वीनियंट साउंड करता हो बट इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो ध्यान रखो इसे सेंसिटिव एरियाज पे मत अप्लाई करो। मैं किसी भी स्प्रे हेयर रिमूवर के लिए ये बात कह रही हूँ कि किसी भी सेंसिटिव बॉडी पार्ट पे इसको ना अप्लाई करो, और अगर आपको किसी तरीके का कुछ भी ऐसा फोड़ा फुंसी हो तो उस टाइम भी आप इसको अवॉइड करो यूज करना। एंड बाकी आपको इसको यूज करने के लिए सिंपली इससे अपने बॉडी पार्ट पे स्प्रे कर देना है एंड वेट करना है 10 to 15 minutes के लिए। उसके बाद आपको इसको रिमूव करना है, एंड जब भी आप इसको 10 to 15 minutes के लिए लगा रहने देते हो तो ये स्किन पे ड्राई हो जाता है। तो रिमूव करने के टाइम आपको बहुत ही पेशेंटली, लाइक इसको गीले कपड़े से आप रिमूव कर सकते हो, और आप चाहो तो सिंपली टैप के नीचे जाके नल खोल दो एंड देन यू नो पानी से ये धीरे धीरे नरम कर खुद ही निकल जाएगा, लाइक वॉशअप हो जाएगा। आप अपने हैंड से इसको इस तरीके से रब कर सकते हो, बट बिल्कुल भी पैनिक ना हो, लाइक ऐसे रगड़ के साफ मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम हमारी स्किन जो वो सेंसिटिव होती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रगड़ोगे तो आपकी स्किन पे रेडनेस हो सकती है और रैशेज हो सकते हैं। ऑल्दो ये हेयर रिमूवर्स जो है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, बट स्टिल इसमें केमिकल्स हैं जो कि हमारे स्किन को सेंसिटिव बना सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के टाइम थोड़ा सा पेशेंटली रिमूव करो, एंड उसके बाद वॉश करने के बाद सिंपली वाइप करके आपको अप्लाई कर लेना है अपना कोई भी मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो, एंड अवॉइड करो डायरेक्ट सन को। अगर आपको डायरेक्ट सन में जाना है तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलो। एंड हाँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसको यूज करना, जस्ट आप इन बातों का ख्याल रखो जो कि मैंने आपको बताई। तो या आई थिंक अभी आपको पता है कि आपको इन हेयर रिमूवर्स को कैसे यूज करना है। एंड अभी भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रह गया हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो, क्योंकि पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करते हो। एंड यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी अपनी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।